हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम SBI लाइफ इंश्योरेंस कम लिमिटेड के प्योर फंड की डिटेल को समझेंगे। प्योर फंड को SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 21 जून 2015 को लॉन्च किया था। ये फंड सभी तरीके की इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करता है। किस तरीके की इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करता है? उनमें शामिल है हमारा बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसी के साथ में जो ऐसी संस्थाएं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जो अल्कोहल बेस्ड, केमिकल, सिगरेट, टबैको, एंटरटेनमेंट या होटल्स, गैम्बलिंग, लेदर, एनिमल प्रोडक्ट या शुगर से रिलेटेड जो बिजनेसेस करती हैं, उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में ये डील नहीं करती है, उनकी इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करती हैं। बाकी आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और भी नाम लिखे हुए हैं। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं, उनका नाम है श्रीमान राघवन MJ एंड श्रीमान देवेश R डोकवाल। इक्विटी के लिए जो कैपिंग रखी गई है वो 80% से लेके 100% रखा हुआ है। एक्चुअल में 97.14% जो कि असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 1031.29 करोड़ होता है। मनी मार्केट में जो कैपिंग रखी गई है वो 0 से लेके 20% का है, जो कि एक्चुअल में 2.86% है। असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का जो कि 30.32 करोड़ होता है। तो इस तरीके से असेट्स अंडर द मैनेजमेंट जो हो जाती है वो है 1061.61 करोड़ का, राइट। अब यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा है तो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर ये फंड आता है। अब हाई रिस्क है, इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा है तो आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने के लिए भी मिल सकता है। इस फंड का जो NAV है वो अप्रोक्सीमेटली 28.50 रुपए के आसपास का है। बात करें टॉप 10 इक्विटीज की तो उसमें शामिल है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसमें असेट अंडर द मैनेजमेंट का 7.72% इन्वेस्टेड है। फिर आपका लेंसर एंड टर्बो लिमिटेड जो कि 4.79% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का इन्वेस्टेड है। फिर आपका इंफोसिस लिमिटेड जो कि असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 4.43% इन्वेस्टेड है, राइट। आप देख रहे हैं टॉप ऑफ द राइट हैंड कॉर्नर में लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ AUM यानी कि परसेंटेज ऑफ असेट अंडर द मैनेजमेंट। फिर आपका ZF कमर्शियल वीकर कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड में असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 2.86% इन्वेस्टेड है। फिर आपका भारती एयरटेल इंडिया पार्टली पेड 2.68% ऑफ असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का इन्वेस्टेड है। फिर आपका सेलो वर्ल्ड लिमिटेड जिसमें 2.50% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का इन्वेस्टेड है। फिर आपका PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2.46% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का। फिर आपका ग्लास्को स्मिथ K-Line फार्मास्यूटिकल इंडिया, इंडिया नहीं केवल लिमिटेड ही है, ग्लास्को स्मिथ K-Line फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में 2.44% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का इन्वेस्टेड है। फिर आपका कीस्टोन रिटेलर्स लिमिटेड में 2.33% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का इन्वेस्टेड है। फिर आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जिसमें कि 2.30% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का इन्वेस्टेड है। देखिए ये जो परसेंटेज मैंने आपको बताई है या जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट आपको बताया था, ये समय अनुसार कम ज्यादा हो सकता है। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके की टॉप 10 इक्विटीज यहाँ पे ये होल्ड्स कर रहे हैं और किस तरीके की लिमिट्स यहाँ पे इक्विटीज या मनी मार्केट के लिए रखी गई हैं। बाकी ये परसेंटेज फिक्स नहीं होते, समय अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। बात करें टॉप 10 सेक्टर्स की तो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स में असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 3.20% एलोकेटेड है। फिर आपका इलेक्ट्रिक, गैस, स्टीम एंड एयर कंडीशन सप्लाई में 3.50%। फिर आपका ट्रेड एक्सपेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स लिखा है यहाँ पे, असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का 4.77% एलोकेटेड है। सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर 4.79%। मैन्युफैक्चर ऑफ बेसिक मेटल्स में 4.94% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा केमिकल एंड बॉटनिकल प्रोडक्ट्स के अंदर 7.41% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। मैन्युफैक्चर ऑफ कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 8.38% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। बात आती है मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स में, जिसमें कि 8.72% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। अब जो सबसे बड़ा पार्ट है यहाँ पे वो है कंप्यूटर प्रोग्राम कंसल्ट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर 11.38% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स में 12.67% असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेटेड है। ये भी समय के अनुसार कम ज्यादा होता रहेगा। बात करते हैं फंड परफॉर्मेंस की तो पिछले एक साल के अंदर
30.97% की दर से रिटर्न दिया। पिछले दो साल में 19.45%, पिछले तीन साल में 15.13%, और सिंस द इंसेप्शन यानी कि जब से ये फंड अवेलेबल हुआ तब से लेके अब तक 13.13% अवेलेबल है। अब ये जो फंड है यानी कि जो प्योर फंड है आपको यूलिप प्लान के साथ मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यूलिप प्रोडक्ट इनका स्मार्ट प्रिविलेज, उसके साथ ये फंड ऑप्शन ऑफर किया जा रहा है। बाकी आप यूलिप प्लान प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लान की, जिनके साथ ये फंड मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अंडर सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक आप टैक्स रिबेट के लिए जा सकते हो, और अगर 80C का लिमिट ले रहे हो तो मैच्योरिटी और जो डेथ बेनिफिट है वो अंडर सेक्शन 1010D टैक्स फ्री होते हैं। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो फंड है यूलिप प्लान से रिलेटेड है, और आप जानते हैं कि जब आप किसी भी फंड में या यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करते हैं आपको जोखिम होता है, आपको ही वो उठाना होता है जोखिम, राइट। नफा नुकसान आपका ही है, ठीक है। जानकारी क्लियर, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी।